अगर जापान हम अपने देश का नाम रख देंगे तो जापान जैसी टेक्नोलॉजी थोड़ी हो जाएगी, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये वो लोग हैं काम चोरों को ऐसा बोलते, जो काम चोर होते हैं वो काम नहीं करते, दूसरे का काम चुराते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे ना क्लास टेंथ में ट्वेल्थ में, जो अपना होमवर्क करके नहीं आते थे दूसरे का होमवर्क का चुरा लेते थे, तो ये काम चोर लोग ऐसा करते हैं कि काम नहीं करना है, दूसरे के काम को अपना काम बताना है। इसीलिए कहते हैं हमेशा लाइफ में काम बोलता है, और ये नाम कभी नहीं बोलेगा, काम बोलेगा। ये सोच रहे हैं कि नाम रख देंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ कुछ भला होगा, भला नहीं होगा। आपने गरीबों की बात नहीं की 5 सालों में, आपने किसान आत्महत्या की उसकी चिंता नहीं की, महिलाओं पर लाठियां बरसाई उनके साथ अन्याय उसकी चिंता आपने नहीं की, महंगाई इतनी तेज कर दी आपने उसकी चिंता आपको नहीं है, कोई नई चीज़ बनाने की आपको नहीं है, पुरानी चीज़ों को आप मिटाने में लगे हो। वही मैं कह रहा हूँ कि पुरानी ये संस्कृति धरोहर को मिटाने की बजाय उसको आगे बढ़ाओ ना, कुछ और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाओ और उसका नामकरण बड़ा बड़ा रखो, तब तो लगेगा। मैंने कहा ना कि वाजपेयी जी का नाम दूसरे के नाम पर चिपका दिया, बताओ भला अच्छा लगा होगा वाजपेयी जी ऊपर से देख रहे होंगे, ऊपर क्या सोच रहे होंगे, ये कैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नई चीज़ नहीं बना पा रही है, नई चीज़ बनाए, फ्रेश नाम रखें, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम बटेश्वर कर रही है। देखिए पहली बात है कि हमें हंसी आती है उन लोगों पर कि वो इतिहास पढ़े हैं, पढ़े हुए लोग हैं, कि विदेशी आक्रांता आते हैं हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाते हैं, लेकिन उन लोगों को जरा सा भी अपने स्वाभिमान की चिंता नहीं है। हमारे नगरों का नाम जानबूझ के बदला गया, निश्चित तौर पे हमने पढ़ा है जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाए। आज हमें गर्व हो रहा है कि अयोध्या नाम फैजाबाद का हो रहा है या अहमदाबाद का नाम बदला जा रहा है। निश्चित तौर पे उन नामों को जरूर बदलना चाहिए जो विदेशी आक्रांताओं के नाम पे या जबरदस्ती बदल के रखा गया नाम हो। निश्चित तौर पे अगर इलाहाबाद प्रयाग हुआ है तो हम लोगों के स्वाभिमान की बात है, शायद नेताजी स्वाभिमान को भूल गए हैं, सिर्फ मुसलमान उन्हें याद है। ये दुर्भाग्य, नेताजी मुसलमान याद रखिए तो देश का स्वाभिमान भी याद रखिए।